चीन के पास करीब 2000 सैनिक, जहां हमारे पास उस पर्टिकुलर सिचुएशन को गार्ड करने के लिए केवल 120 जो है जवान हैं, तो उनके पास 2000 जवान उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कब्जा करने के लिए अलर्ट किए गए हैं। शायद इस लड़ाई में हम सब में से कोई ना बचे, हम सब शहीद हो जाएं, तो जो अपनी जान अभी भी बचाना चाहते हैं उनके पास पीछे हटने का मौका है। लेकिन कहते हैं कि मैं तो मरते दम तक मुकाबला करूंगा, रेस्ट इज योर चॉइस। कितना पॉजिटिव, एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड कि केवल मारेंगे नहीं, मार के उनसे बंदूकें भी छीनेंगे और उन्हीं की बंदूक से उनको हम मारेंगे। दैट्स कॉल्ड द जज्बा यार। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जब पूरी आंख ब्रश से बाहर है, हाथ नहीं ओके है, तब भी वो बंदा मरती हुई स्थिति में बोल रहा है कि तुम यहाँ से जाओ और इस LMG गन से मेरे पैर के अंगूठे को ट्रिगर से रस्सी से बांध दो, मैं इधर से बैठ करके फायर करता रहूंगा। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि यार लंबा समय और लंबा टाइम गुजर गया। आई स्टार्टेड द केस स्टडी अबाउट द रियल हीरोज इन दिस कंट्री, मैंने इस देश के वास्तविक और रियल हीरोज की एक केस स्टडीज आपके सामने शुरू की। लगातार मैंने क्रमशः कवर किया बहुत सारे लोगों को और आपने लगातार उन वीडियोस को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया। आज इस कड़ी में आगे बढ़ने वाला हूँ क्योंकि आपकी लगातार डिमांड थी। मुझे लगता है कि थोड़े से फेस्टिवल्स की वजह से चीज़ों में व्यस्तता रही, थोड़ा सा कोरोना की वजह से भी चीज़ों में व्यस्तता रही, बट मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली आई एम रेडी अगेन ऑन द चैनल। मैं आपके अब सामने हूँ, क्रमशः मैं उन हर रियल हीरोज़ की कहानी आपके सामने लाऊंगा जो आपको वास्तविकता में ये रियलाइज़ कराएंगे कि हमारा देश क्या है, रियल देश प्रेम क्या है और एक फौजी इस देश के लिए कितना मायने रखता है, कितना वैल्यू रखता है। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ एक ऐसे वीर की कहानी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिनकी लगातार डिमांड आपकी थी कि सर प्लीज़ आप इनके विषय में डिस्कशन करें। मुझे लगता है कि जब मैं इन स्टोरीज़ पे काम करता हूँ, जब मैं इनके केस स्टडीज़ को स्टडी करता हूँ, जब मैं इनको पढ़ता हूँ, जब मैं इनको अंडरस्टैंड करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से भी एक जुनून आता है यार कि शायद हम कहाँ हैं, आखिर हमारा वजूद इनके आगे क्या है, इन्होंने क्या कर दिया देश के लिए, क्या कभी हम इनका कर्ज चुका पाएंगे, क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे जीवन में जो ऑब्वियसली इस देश के लिए और इस देश के लिए जो ये वीर जवान जो शहादत दे रहे हैं इनके लिए भी वो हम कहीं ना कहीं कर्ज चुका पाने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ एक ऐसे बहादुर की बात करने में जो मुझे लगता है कि मरते दम तक ये रियलाइज़ कराता रहा कि अगर मैं इधर जिंदा हूँ तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक ऐसे व्यक्ति की बात जो अंतिम सांस तक क्षमता रखता था लड़ने का, लड़ा और कहीं ना कहीं हमारे देश को हर तरह की सुरक्षा प्रदान की। आज ऑब्वियसली मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने मेजर शैतान सिंह भाटी की। ऑब्वियसली आई रियली फील प्राउड बिकॉज जब मैं इनकी कहानी में जा रहा था, मैं जानता हूँ कि लाइफ में हमारे बच्चे बहुत व्यस्तता है, हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बिजी हैं, बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं, बट मैं आज बताना चाहता हूँ यार कि इस कहानी को आप दिल से सुनिएगा। आज कुछ मिनट के लिए रुक जाइएगा मोबाइल स्क्रीन पे और बिल्कुल इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए, समझिए। एवरी टाइम यू आस्क मी ना कि सर व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द रियल वे टू डेवलप द पर्सनैलिटी, व्हाट इज द वे टू डेवलप द वैल्यूज इन यू, कि सर आखिर SSB के दृष्टिकोण से, फौज के दृष्टिकोण से हम अपने व्यक्तित्व का कैसे निर्माण करें, आखिर सर हम अपने अंदर उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को कैसे इन्हांस करें। मुझे लगता है कि आज मेजर शैतान सिंह के भाटी के जीवन से जुड़ी एक एक कहानियाँ, एक एक स्टेप आपको रियलाइज कराएंगे कि एक फौजी कैसे पैदा होता है और एक फौजी इस देश का कैसे फौजी बनता है। तो ऑब्वियसली चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक ऐसे वीर पुरुष की कहानी जो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक रोमांच, एक जज्बा और रोंगटे खड़े करने वाली सिचुएशन लाएगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा और चीजों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। कहते मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव बंसार गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ। कहा जाता है इनके पिता कर्नल हेम सिंह थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस से भारतीय सेना के लिए जो है सेवा की, और सेवा ही नहीं की, इसके लिए उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से भी सम्मानित किया गया। एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और ऑब्वियसली फादर ऑलरेडी सर्विंग थे, तो कहीं ना कहीं वो एक हाई लेवल का मोटिवेशन उनके अंदर रहा फौज को लेकर के। सिंह ने जोधपुर के राजपूत हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई की, इन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई जो रही वो जोधपुर के हाई स्कूल से की। पहले ही स्कूल में वो एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने कौशल और बेहतर प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। 1943 में स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद जसवंत सिंह कॉलेज में वो गए जो कि ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आप कह सकते हैं जो कि जोधपुर में अवेलेबल है। उन्होंने 1947 में स्नातक किया। 1 अगस्त 1949 को
वह एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य बलों में शामिल हो गए, क्योंकि आपको पता है कि जोधपुर का जो विलय हुआ वो लेटर ऑन हुआ। तब तक ऑब्वियसली कई प्रांत हुआ करते थे, उसमें से जोधपुर भी एक प्रांत था और हर प्रांत अपनी स्वयं की सेना का चुनाव करता था और ऑब्वियसली उसके अंतर्गत मेजर शैतान सिंह जी का चुनाव हुआ और वो वहाँ उनके राज्य बलों में सम्मिलित हुए। बट लेटर ऑन, जैसा कि आप जानते हैं, कि जोधपुर का रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद कुमाऊं रेजिमेंट में इनको हस्तांतरित कर दिया गया। दैट मीन इन सबको जो ट्रांसफर किया गया वो कुमाऊं रेजिमेंट के अंतर्गत कर दिया गया। उन्होंने नागा हिल्स और ऑपरेशन और 1961 के गोवा का भारत में जो विलय हुआ उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और बड़ा हिस्सा लिया। कहा जाता है कि उन्हें 11 जून 1962 को उन्हें मेजर पद के लिए पदोन्नत कर दिया गया था। आपको बहुत पता होगा कि उस समय मैंने कई लोगों को जब कवर किया क्रमशः तरीके से, तो आपने देखा होगा कि उसमें कहानी इसमें मैंने बताया कि बहुत तेज़ प्रमोशंस हुए इसमें, क्योंकि लीडर्स कम थे, ऑफिसर्स कम थे और ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार हम लड़ाई पे लड़ाई झेल रहे थे। तो 1962 की लड़ाई हमारे सामने थी और ऑब्वियसली इस स्थिति में उन्हें मेजर के पद पर जो है डायरेक्ट प्रमोट किया गया। कहा जाता है कि 1962 में 13 कुमाऊं को चुसुल हवाई पट्टी की जो है रक्षा के लिए भेजा गया। अधिकतर जवान हरियाणा से थे, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के जब हम बात ही करते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादातर हरियाणा से थे। कहा जाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी बर्फ नहीं देखी थी और सडनली उनको एक ऐसे एरिया में मिल रहा था जहाँ ऑब्वियसली टेम्परेचर माइनस में था, विषम परिस्थितियाँ थीं। इन्हें फटाफट कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को जो है बरमूला से वहाँ लाया गया। उन्हें ऊँचाई पर सर्दी का पता भी नहीं था कितना होता, आई थिंक सर्दी एक्सट्रीम लेवल पर थी और शून्य से भी कई डिग्री नीचे आप तापमान कह सकते हैं जब हम चुसुल हवाई पट्टी के आसपास के एरिया की बात करते हैं, तो माइनस में टेम्परेचर, कपड़े उतने अच्छे थे नहीं, जूते उच्चे थे नहीं। आपको भी ये कहानी पता है कि 1962 में जो हमारी फौज की स्थिति थी वो इतनी स्ट्रांग, उतनी कैपेबल नहीं थी। इवन जो पहनने के लिए जर्सी चाहिए, जो कपड़े चाहिए, जो शूज चाहिए, इनके पास नहीं थे। जो इन्हें कपड़े मिले हुए थे ऑब्वियसली सूती पतलूने और हल्के कोट दिए गए थे, जो कि बहुत कैपेबल नहीं थे। लेकिन कहते हैं कि ना यार, जब देश के प्रति जज्बा होता है तो शायद इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। मेजर शैतान सिंह अपने जवानों को पहाड़ी के जो है सामने जो ढलान था उस पर पूरी तरह से अलर्ट किया। जैसे कि आपको पता है कि जो भी मोर्चा एंड सिचुएशन होती है कंट्रोल के लिए, एक पूरा का पूरा सेमी सर्कल बनाया जाता है जहां हर मोर्चे पे एलएमजी पोजीशन को सेट किया जाता है और पूरा घेरा बना करके उस बॉर्डर की, उस पर्टिकुलर एरिया की सुरक्षा के लिए हमारे जवान तैयार हो जाते हैं। कहा जाता है 18 नवंबर 1962 को रविवार का दिन, ठंड ऑब्वियसली रोज की अपेक्षा कहीं गुना ज़्यादा थी और रेजांगला में भी बर्फ गिर रही थी, सुबह होने की थी, बर्फीला धुंध पसरा हुआ था। अगर हम बात करें सूरज, तो 17,000 फीट की ऊंचाई तक भी सूरज नहीं पहुंचा। दैट मीन जितनी ऊंचाई पे वो लोकेशन सॉलेबल है वहां तक सूरज भी नहीं पहुंचा। ठंड अपार स्थिति में थी, लद्दाख में ठंडी ऑब्वियसली, और जो हवाएं थी वो कह सकते हैं आपके बिल्कुल कलेजा जमा देने वाली हवाओं के बीच हमारे जवान टके हुए थे। यहां सीमा पर भारत के प्रहरी मौजूद थे। कहा जाता है कि 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी, दैट मीन 40 कंपनी चुसूल सेक्टर में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान तैनात थे। ऑब्वियसली इस पिघला देने वाली ठंड से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, अगर था तो केवल एक ताकत, एक जज्बा, एक जुनून। कहा जाता है इससे पहले उन्होंने बर्फ के बीच रहने का कोई अनुभव नहीं था। वहीं उसके उलट जब हम बात करें चीनी सेना के, तो चीन के पास करीब 2000 सैनिक, जहां हमारे पास उस पर्टिकुलर सिचुएशन को गार्ड करने के लिए केवल 120 जो है जवान हैं, तो उनके पास 2000 जवान उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर कब्जा करने के लिए अलर्ट किए गए। तभी सुबह के धुंध में रेजांगला के पास चीन की कुछ हलचल वहां पर दिखाई दी। हलचल कुछ इस तरह थी कि बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले आ रहे हैं और वो तेजी के साथ गोले आ रहे थे। तभी मेजर साहब ने आदेश दिया और बुलेट फायर्स करने के लिए कहा। गोलियां फायर हुई, बट बहुत ही जल्द उनको रियलाइज हुआ कि गोली चलाने के बाद कि जो असल में रोशनी के गोले थे वो असल में लैंटेन थे, जो कि वहां के जो याक्स थे उनके गले में जो है बांध करके आगे भेजा गया था। चीन की एक बड़ी रणनीति थी, वो चाहते थे कि इनके जल्द से जल्द जो वेपन्स हैं, जो भी गोलियां हैं, वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा संख्या में खत्म हो जाए। कह सकते हैं टेक्निकली एक चाल थी। चीनी सेना पूरी तरह से तैयार थी, उनको ठंड में लड़ने की आदत भी थी, पर्याप्त हथियार थे, जबकि भारतीय टुकड़ी के पास केवल अब 300 से लेकर 400 राउंड गोलियां बची हुई थी। स्थिति बहुत नासाज थी क्योंकि फायरिंग हो चुकी थी और वो समझ नहीं पाए थे उससे, जो केवल 1000 हद गोले उस समय उनके पास अवेलेबल थे। बंदूकें ऐसी भी जो एक बार फायर करने के बाद फिर दोबारा से लोड करना और फायर करना, आप समझ सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो रिटायर्ड माल था एग्जैक्टली वो भारत के पास था। ये हमारी रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर हो रहे हैं, बट उस टाइम की वो रियलिटी हमारे सामने थी। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया और ये स्थिति बनती गई। बंदूकें जो एक बार चले दोबारा चलाने में बड़ा कष्ट हो, और ऑब्वियसली चीन को इन सारी बातों की जानकारी थी और इसलिए उन्होंने टुकड़ी की गोलियां खत्म करने के लिए ये चाल चली थी।
ऑब्वियसली चीनों ने अपना सैनिकों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये सही सिचुएशन है जब हम लीड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जा करके जो हमारा चुसूल एयरपट्टी का एरिया है उसको कवर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली केवल चुसूल ही लक्ष्य नहीं था, लद्दाख भी था, अक्सिया चीन ग्लेशियर भी था, पूरा का पूरा एरिया उनका प्लान में था, बट कहीं ना कहीं हमारे 120 जवान उस पोजीशन में भी डटे रहे। कहा जाता है मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है और उन्होंने मदद मांगी। तब सीनियर ऑफिसर से जवाब आया कि इस समय हम किसी भी तरह की मदद आपको अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, आप चाहें तो चौकी छोड़ करके पीछे हट जाएं और अपने साथियों की जान बचाएं। कहते हैं मेजर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो इस कंडीशन में अपनी चौकियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके लिए एक कायरता का विषय होता, मतलब था हार मान लेना। और कहते हैं कि मेजर शैतान हार मानने वालों में से नहीं थे, बल्कि हार मनवाने वालों में से थे। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की और मीटिंग करके उन्होंने डिस्कस किया कि भाई ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है और इस सिचुएशन की वजह से अगर कोई पीछे हटना चाहता तो हट सकता है, देयर इज नथिंग लाइक फोर्स, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, 120 लोगों में जो पीछे हटना चाहते हैं वो बिल्कुल पीछे जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी इसी को कहते हैं, जब आप अस्पष्ट तौर पे निकल के आएं, बातों को सामने रखें और सिचुएशन को सही ढंग से लीड करने का प्रयास करें, दैट इज ऑल अबाउट द मोटो एज ए ऑफिसर लाइक क्वालिटी। और मुझे लगता है बीइंग अ लीडर ये होना बहुत जरूरी है। बात यहीं नहीं खत्म हुई, मेजर शैतान सिंह ने पीछे ना हटने का फैसला ले लिया था, यह बात वो बाखूबी जानते थे कि वक्त कम है और चीनी सैनिक कभी भी हमला बोल सकते हैं। उन्होंने ऑब्वियसली तुरंत भारतीय सैनिकों को अपने पास बुलाया और उन्हें अलर्ट होने के लिए कहा। उन्होंने बोला हम 120 हैं, दुश्मनों की तादाद बहुत लंबी हो सकती है, इवन हम उसके विषय में जागरूक भी नहीं हैं, पीछे से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, हो सकता है हमारे पास जो हथियार हैं आप अच्छे से समझते हैं कि वो कम पड़ जाएं, शायद इस लड़ाई में हम सब में से कोई ना बचे, हम सब शहीद हो जाएं, तो जो अपनी जान अभी भी बचाना चाहते हैं उनके पास पीछे हटने का मौका है। लेकिन कहते हैं कि मैं तो मरते दम तक मुकाबला करूंगा, रेस्ट इज योर च्वाइस, रेस्ट आपकी च्वाइस है। और कहते हैं कि उन्होंने एक वचन दे रखा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और वो वचन निभाने के लिए शैतान सिंह तैयार थे। और कहते हैं जब ऐसा कमांडर हो, एक ऐसा लीडर हो जो मर मिटने के लिए तैयार हो, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे के बटालियन, उसके पीछे के टुकड़ी, उसके पीछे के जो सोल्जर्स हैं वो कोई पीछे हटने वाला नहीं है, और वो कहीं ना कहीं मेजर शैतान सिंह के लीडरशिप में दिखाई दे रही थी। ठंड की वजह से उनका शरीर जवाब दे रहा था, ऑब्वियसली चीनों से कहीं ना कहीं लड़ पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ तोप और मोर्टार से हमला होना स्टार्ट हो गया और कहीं ना कहीं इस भरोसे के बाद धड़ाधड़ अटैक होना स्टार्ट हुआ। इस मीटिंग के बाद एक रणनीति बनाई गई। सतीन सिंह ने कहा कि हमारे पास संसाधन कम है और दुश्मनों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में कोशिश करें कि हमारी एक गोली ना बर्बाद हो और जो गोली लगे वो निशाने पे लगे, सात दुश्मनों को मारे जाने पर हम उनसे बंदूकें भी छीनेंगे। देखो एक लीडरशिप की प्लानिंग कितनी है कि कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, कितना पॉजिटिव एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, ये केवल मारेंगे नहीं, मार के उनसे बंदूकें भी छीनेंगे और उन्हीं की बंदूक से उनको हम मारेंगे। दैट्स कॉल्ड द जज्बा यार, जो मुझे लगता है कि मेजर शैतान सिंह जी के अंदर दिखाई दे रहा है। कड़ी यही नहीं रुकती है, छीना जाए जवानों को साथ में, और कहते हैं कि वो नेचर ही था जो उनको इस तरह का लीडर बनाता था। कहते थे कि हमेशा उनको जवानों के साथ रहना पसंद था, कभी कभी वो साथ में बैठ करके सबके साथ, सारे जवानों के साथ। बीइंग अफसर ये भी बड़ा जरूरी है कि आप अपनी टीम, अपने बटालियन के साथ किस लेवल का कोऑर्डिनेशन रखते हैं। वो रेडियो पे सुना करते थे और रेडियो उनके साथ सुना करते थे, ऑल इंडिया रेडियो पे वो सुना कर रहे थे कि चीन जो है हर जगह हमें डिफीट कर रही है, कहीं ना कहीं हमारी पोजिशन ठीक नहीं है, और हार की खबरें आ रही थी, सुनकर उनका खून खौल जाता था। और वो कहा करते थे कि जब मौका मिलेगा हम जान लगा देंगे और इनके पीछे खदेड़ के रहेंगे। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मेजर शैतान सिंह के जीवन में मौका आ चुका था, अब ये बात केवल कहने की नहीं थी, अब ये बात करने की थी, और ये उनके अकेले करने की नहीं थी बल्कि तो पूरी सेना की जिम्मेदारी थी इस चीज़ को कर गुजरने की। चीनी सेना मान चुकी थी कि भारतीय सेना ने चौकी छोड़ दी, क्योंकि इतनी कम संख्या में थे तो ये साइलेंटली छिप गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका सामना ऑब्वियसली जाबाज शैतान सिंह और कहीं ना कहीं उनके वीर सैनिकों से होने वाला है। सुबह के करीब 3 बजे वो बढ़ना स्टार्ट किए, 2 घंटे साइलेंट जोन रहा, 3 बजे उन्होंने लीड किया वहाँ से, 2 घंटे साइलेंट होने लगा कि कहीं ना कहीं हम पीछे हट गए। लेकिन कहते हैं 5 बजे का टाइम, 5 बजे भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हर तरफ दुश्मन की लाशें बिछी थी, कुछ चीनी सैनिक मारे गए थे। उस वक्त मेजर शैतान सिंह ने कहा था, ये मत समझना कि युद्ध खत्म हो गया है, ये तो युद्ध की शुरुआत है। जिसके बाद सेना ने दोबारा आक्रमण किया, भारतीय सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म हो गई थी, कहते हैं 5 से 7 राउंड गोलियां केवल बची थी। चीनियों ने रेजांगला
पे भी मोर्टार और रॉकेट से कहीं ना कहीं बंकरों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। भारतीय सैनिकों को केवल अपने जोश का सहारा था, क्योंकि ना उनके पास वेपन्स थे, ना उनके पास गोली थी, ना उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स थे, तो केवल कहीं ना कहीं जो उनके पास था उनका साहस था, उनका जोश था, उनका जज्बा था और देश के प्रति प्रेम था। क्योंकि रेजांगला पर बंकर नहीं थे और दुश्मन रॉकेट दागे जा रहा था, इसी बीच शैतान सिंह के हाथ में भी एक गोली आके लग चुकी थी। कहा जाता है शैतान सिंह ये बात अच्छे से जानते थे कि 2000 चीनी सैनिकों के सामने 120 भारतीय सैनिक कितनी देर टिक पाएंगे। कहा जाता है 5:40 चीन ने 5:40 पे चीन ने पुनः मोर्टार से हमला शुरू कर दिया। लगभग 350 चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। चीनी सेना द्वारा सामने से आए गए हमले कहीं ना कहीं बार बार असफल हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पोजीशन बनाया था कि इस पोजीशन में बैठे हुए थे और सामने से जितनी बार भी वो हमला कर रहे थे वो बार बार असफल हो रहे थे, तो उन्होंने लगभग 400 सैनिकों को पीछे से हमला करने के लिए कर दिया। और कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी मेजर शैतान सिंह को नहीं हुई। कहा जाता है कि साथ ही 8वीं प्लाटून पर मशीन गन और मोर्टार के पोस्ट से तार बाड़ के पीछे हमला किया गया। 7वीं प्लाटून पर 120 चीनी सैनिक पीछे से हमला किया। भारतीयों ने जम के उनका मुकाबला किया, कई चीनी सैनिकों को मार दिया। जैसे ही आखिरी 20 जीवित लोग बचे, दैट मीन 20 सैनिक बचे, भारतीयों ने अपनी खाइयों से बाहर निकलकर चीनी सैनिकों से हार्ट टू हार्ट, क्योंकि औजार नहीं बचे थे, वेपन्स नहीं बचे थे, कोई रिसोर्स नहीं बचा था, तो हैंड टू हैंड लड़ने का डिसीजन लिया। हालांकि प्लाटून जल्द ही चीन के अतिरिक्त सैनिकों के आगमन से घेर ली गई और आखिरकार 7वीं और 8वीं प्लाटून में से कोई जीवित नहीं बचा। वो जानते थे यदि सभी जवान शहीद हो गए तो भारत के लोग और सरकार ये बात कभी जान नहीं पाएगी कि आखिर हमारे सैनिकों ने और हमारे फौजी भाइयों ने कैसे लड़ा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि उन्होंने 2 सैनिकों से कहा, घायल सैनिकों से, कि आप यहाँ से तुरंत चले जाएँ, जिनका नाम रामचंद्र था और निहाल सिंह था। कहा जाता है कि निहाल सिंह को चीनी सैनिकों ने जो है वो कैदी बना लिया। युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह भाटी लगातार कहते हैं सामंजस्य और पुनर्गठन करके पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। इस बीच मेजर शैतान सिंह की बांह में एक सेल का टुकड़ा आके लगा, ऑब्वियसली तेजी के साथ खून निकलने लगा। तुरंत उन्होंने पट्टी से उसको तेजी के साथ कस के बांधा और कहीं ना कहीं पूरी ताकत से जवानों का जोश बढ़ाने में लगे रहे। इसी बीच एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट की दूरी तय करने के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उनके पेट में पूरा का पूरा ब्रस्ट आके लगा। जैसे आपको पता जब एलएमजी गन से फायर होता है तो एक साथ ब्रस्ट फायरिंग होती है, कई सारी बुलेट्स एक साथ आती हैं और उनके पूरे पेट में लगी और पूरा ब्रस्ट आके उनके पेट पे लग गया। कहा जाता है हरफूल एलएमजी फायरर जो कि वहां पे था ने लाइट मशीन गन से चीन के उस सैनिक को फायर करके मार गिराया जिसने शैतान सिंह पे गोली चलाई थी। हरफूल को भी गोली लगी और वो तुरंत गिरते हुए, वहां पे रामचंद्र जी अवेलेबल थे, उनको उन्होंने एड्रेस किया कि मेजर साहब को दुश्मनों के हाथ मत लगने देना। मेजर शैतान सिंह अत्यधिक खून बह जाने के कारण बार बार बेहोश हो जा रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा ब्रस्ट लगा हुआ था और पूरा पूरा पेट फट गया था। कहते हैं कि बेहोश चले जा रहे थे। सूबेदार रामचंद्र यादव इस मुश्किल समय में उनके साथ थे। कहा जाता है रामचंद्र उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने मेजर शैतान सिंह को जिंदा देखा था। दैट इज अ लकीस्ट पर्सन एवर ही हैज। मेजर साहब ने रामचंद्र से कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बेल्ट खोल दो। रामचंद्र ने उनके कमीज में हाथ डाला, उनकी सारी आंतें बाहर आ गई थी क्योंकि ब्रस्ट लगने के बाद आंतें बाहर आ गई थी। रामचंद्र ने उनकी बेल्ट नहीं खोली क्योंकि अगर रामचंद्र ऐसा करते तो सब कुछ सारी की सारी आंतें बाहर आ जाती। इस बीच लगातार फायरिंग हो रही थी, बेहोश हो गए मेजर शैतान सिंह को फिर होश आ गया। उन्होंने टूटती सांसों से रामचंद्र को कहा, मेरा कहना मानो, तुम बटालियन में वापस चले जाओ, सबको बताओ कि कंपनी किस तरह से लड़ी, मैं यहीं मरना चाहता हूँ। मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र से कहा, उनके पैरों में रस्सी, जो एलएमजी गन का पॉइंट होता है टिगर, उससे रस्सी उनके पैर में बांध दो। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जब पूरी हाथ ब्रश से बाहर है, हाथ नहीं ओके है, तब भी वो बंदा मरती हुई स्थिति में बोल रहा है कि तुम यहाँ से जाओ और इस एलएमजी गन से मेरे पैर के अंगूठे को ट्रिगर से रस्सी से बांध दो, मैं इधर से बैठ करके फायर करता रहूँगा। कहा जाता है कि फायर करता रहूँगा। ठीक 8:15 मेजर साहब के प्राण निकले, चूँकि वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के जा रहे तो घायल होना लाजमी सी बात थी। कहा जाता है कि फाइनली वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में भारत के 123 में से 109 सैनिक शहीद हुए। 13 कुमाऊं के इस पराक्रमी पलटन में केवल 14 जवान जिंदा बचे, इनमें 9 भी गंभीर रूप से घायल थे और वो भी नहीं बचे। भारत के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मुझे लगता है कि अगर किसी भी पराक्रम की हम पराकाष्ठा की बात करते हैं तो शायद इस कहानी से बड़ा पराक्रम मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। 120 सैनिकों की टुकड़ी जो कि बिना किसी वेपन्स के भी लड़ते हुए चीनी 1300 चीनी सैनिकों के मौत के घाट उतार के रख दिया था। किसी की कहते हैं कि उस सिचुएशन में राइफल टूट के उड़ चुकी थी लेकिन उसका बट अभी भी हाथ में लिए हुए थे।
हुआ यह था कि लड़ाई खत्म होने के बाद वहाँ भारी हिमपात हो गया। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई वहाँ तेजी के साथ भारी हिमपात हुआ और फाइनली वहाँ पे नो मैंस लैंड घोषित हो गया, दैट मीन वहाँ पे इंसानों का जाना मना हो गया, इसलिए कोई जा नहीं पाया। युद्ध को खत्म हुए 3 महीने हो गए थे। ऐसे में शैतान सिंह के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कहा जाता है कि युद्ध को ख़त्म होने के बाद लोगों ने इसके बारे में पता नहीं था कि आखिर क्या हुआ, 113 लोगों के साथ क्या हुआ। लोगों को यहाँ तक अंदेशा था कि वो युद्ध बंदी बन गए, क्योंकि सब कुछ काल्पनिक था, कोई भी स्टोरी कवर में नहीं आ रही थी। जब तक इनके नाम के आगे एक तरह का दाग, एक धब्बा लग चुका था पूरी की पूरी कुमाऊँ 113 रेजिमेंट के लिए। कहा जाता है कि आखिर 113 लोगों के साथ क्या हुआ, लोग यहाँ तक अंदेशा था कि वो युद्धबंदी बन गए, उनको कायर करार दिया गया। लोगों ने कहा कि वो सब भाग गए, इस बारे में उनको कहीं न कहीं कायरता का एक परिचायक माना गया। 2-3 जो लोग बच कर आए उनका भी समाज में हुक्का पानी बंद हो गया, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। मुझे लगता है कि एक अपने आप में बड़ा त्रासदी का माहौल था। शायद आप विजुलाइज करें उस 1962 की कहानी, तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज एक कायर के रूप में घोषित की जा रही थी, समाज के अंदर कोई भी बात मानने वाला नहीं था। बट फाइनली अ बिग एनजीओ टेक इनिशिएटिव, एक बड़ी एनजीओ ने इनिशिएटिव लिया और अभियान चलाया और उस अभियान के माध्यम से बताने की कोशिश की कि दे आर द रियल हीरोज, ये रियल हीरोज हैं और इन्होंने अपनी कहीं ना कहीं वीरता को इस चीज़ को प्रूव किया है और उन्होंने कोई कायरता नहीं दिखाई। कहा जाता है कि रेजांगला की बर्फ पिघली और फाइनली रेड क्रॉस सोसाइटी, जैसा कि आप जानते हैं फौज के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है, इसके जो हमारे सोल्जर्स, जो हमारे सैनिक भाई जाते हैं, वो कहीं ना कहीं शवों को खोजते हैं, ले आते हैं और उनके ऊपर फायर करना किसी भी सेना को अलाउड नहीं होता और कोई भी नहीं करता है। जब रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग वहाँ पहुँचते हैं तब एक गडरिया अपने भेड़ चराने के लिए रेजांग की ओर जा रहा था, वहीं बड़ी सी चट्टान में वर्दी में कुछ नजर आया, जिसके बाद उसने यह सूचना मौजूदा अधिकारियों को दी। गडरिया की खबर के बाद सेना वहाँ पहुँची तो उन्होंने जो देखा उसको देख करके सबके होश उड़ गए। शायद जिस काल्पनिक कहानी को लोग जी रहे थे आज उस कहानी को बदलने का समय आ गया था, आज उस कहानी का सच और रियल रूप देखने का समय आ गया था। एक एक सैनिक उस दिन भी अपनी बंदूकें थामे ऐसे बैठा था, एक एक सैनिक, कहा जाता है कि उस सिचुएशन में कि ऐसे अपनी बंदूकें थामे बैठा था कि मानो अभी लड़ाई चल रही हो और ये युद्ध के लिए तैयार हो। उनमें से शैतान सिंह भी अभी अपनी बंदूकें थामे बैठे थे, वो ऐसे लग रहे थे मानो कि अभी अभी युद्ध के लिए तैयार हो रहे हों। उनमें अभी भी जोश बाकी था क्योंकि बर्फ पर जाने के बाद लाशें ऐंठ तो गई थी, बट जो जैसे एलएनजी के साथ जिस तरह से ट्रिगर से रस्सी से उनकी पैर से बंधा था वो वैसे ही बंधा था और उसी पोजीशन में वो थे। तो एवरी वाज लुकिंग एक्टिव एंड अटेंटिव। मुझे लगता है कि 3 महीने बाद देखने के बाद भी बर्फ की वजह से लाशें सब सेफ थी और सब वैसे के वैसे दिखाई दे रहे थे। तो ये नहीं मालूम चल पाया कि आखिर युद्ध कितनी देर तक चला। भारत के जवान अभी भी अंतिम सांस तक देश से लड़ते रहे और लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं वो बर्फ़ की आगोश में आ गए, सडन वो सारे के सारे बर्फ की आगोश में आ गए। मेजर शैतान सिंह को उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जो साल 1962 में महज 37 वर्ष की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गए और ऑब्वियसली उसके लिए उनको देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। मुझे लगता है यार ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को है, हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, बट इन सब के बावजूद देश है कहीं, इसके प्रति जिम्मेदारी है। 37 साल की उम्र क्या उम्र होती है ये, शायद एक ऐसी उम्र जब इंसान ये भी ना समझ पाए कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ऐसी जनरेशन में देखता हूँ कि आई थिंक इस एज में उनको पता ही नहीं वो कौन है, और उस 37 साल की उम्र में देश के लिए इतना कुछ कर जाना, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी संपूर्णता के लिए, मुझे लगता है कि ऐसा कामयाब मेजर शैतान सिंह भाटी जैसे वीर ही कर सकते हैं। और ऑब्वियसली दिल से सल्यूट करने का मन करता है और एक एहसास होता है कि शायद एक ऐसी सच कहानी है जो शायद आज मैं सुनाते हुए भी उस सच्चाई को महसूस कर रहा हूँ, उस चीज़ को फील कर रहा हूँ, और आप भी महसूस करिए। कहा जाता है कि इस तरह से किया गया। रेजांगला की लड़ाई इसलिए भी बड़ी हुई क्योंकि 13 कुमाऊँ के जवानों को जो आदेश मिला था उन्होंने उसको आखिरी दम तक निभाया। कहा जाता है कि उनके ब्रिगेडियर TN रैना, जो आगे चल के हमारे थल सेना अध्यक्ष भी बने, लिखित आदेश था कि उनका हर जवान आखिरी गोली तक अपनी लड़ाई करेगा और जीतेगा। और कहते हैं कमाल की बात कि सारे के सारे लोगों ने उस चीज़ को अक्षरता पालन किया। जब एक इलाके का रक्षण करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, मुझे लगता है यही जज्बा, यही जुनून इनको सबसे अलग बनाता है और यही इस देश का फौजी कहलाता है। ये लड़ाई सुबह 3:30 बजे शुरू हुई और कहते हैं कि 8:15 बजे खत्म हुई मेजर शैतान सिंह के मृत्यु के बाद, बट कहते हैं कि मुख्य लड़ाई जो इसमें हुई है वो आखिरी के 1 घंटे में थी। वो कमाल का दौर था और शायद
एक ऐसी ताकत का, अदम्य साहस का परिचय दिया गया जो कहीं ना कहीं चीनी सेना को हिला के रख दिया, उनको एहसास किया कि आखिर ताकत, क्षमता और जज्बा क्या है। और वो भारतीय सेना में कहीं ना कहीं दिखती है। अगर ये 40 कंपनी शहीद ना हुई होती तो आज लेह, कारगिल, जम्मू कश्मीर सब खतरे में पड़ जाते। इसी ने रोका चीनियों को, जब उनका इतना नुकसान हो गया, 2000 में से 1300 सैनिक मारे गए। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी त्रासदी किसी पोस्ट, किसी लोकेशन से चाइना के लिए थी। तो उन्होंने खुद युद्ध विराम किया, और हमने युद्ध विराम नहीं करवाया था। चीन ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में कबूल कर लिया कि 1962 में युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी डिड एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, बट वी टॉक अबाउट द रियलिटी एंड द रियल स्टोरी बेटा। तो दिस इज़ समथिंग व्हाट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू। तो मुझे लगता है कि एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है मेजर शैतान सिंह भाटी। और मुझे लगता है कि शायद वो इस धरती पे है नहीं है, बट मुझे लगता है कि हम सबके दिल में है, और वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और होना ना होना क्या मायने रखता है, बहुत लोग इस देश में, इस जगह में होकर के भी नहीं पता चलता कि वो हैं भी कि नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग कुछ करके जाते हैं इस देश के लिए, और हमारे दिल में हमेशा जगह बना रहते हैं। आई रियली फील प्राउड एंड द रिस्पेक्ट फ्रॉम हार्ट, एंड दैट माई हार्ट इज़ बीटिंग हाई फॉर द सिचुएशन, बिकॉज जिस मोमेंट को, जिस सिचुएशन को, जिस तरह की स्थिति को उन्होंने, विषम परिस्थिति को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में बदला, और हार को जीत के स्वरूप में ला के खड़ा किया, और जिनके वजह से आज हम सब खुश हैं, बेहतर हैं, इतना बेहतर महसूस कर रहे हैं, सब उनकी कृपा है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा यार कि अगर अंदर जज्बा है, जुनून है, तो यार दिल से रियल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत कहानियाँ पढ़ते होंगे, बहुत स्टोरीज सुनते होंगे, बट मुझे लगता है कि आज मेजर शैतान सिंह भाटी की कहानी आपके ज़िंदगी में एक अलग छाप छोड़ेगी, और फ़ौज से जुड़ने का और फ़ौज को ज्वाइन करने का एक रियल जज्बा और जुनून देती रहेगी। एक कारवां अब शुरू हो चुका है, सौरभ सर फिर से अब आना शुरू करेंगे, लगातार जगाना शुरू करेंगे। हर रियल हीरोज़ की केस स्टडीज़ मैं आपके सामने लाऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स पे आइए। जिनकी भी कहानी सुनना है, जिनकी भी रियलिटी जानना है, जिस जज्बे से आपको आगे बढ़ना है, उसका नाम नीचे लाइए। मेरी जिम्मेदारी होगी उस रियल स्टोरी, रियल कहानी को दिल से आपको सुनाने की, आपको एहसास कराने की कि आपको भी वो वीर बनना है और जज्बा है यार, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देश हमारा है और देश के प्रति जिम्मेदारी हमारी है। तो बिल्कुल सौरभ सर आते रहेंगे, आग लगाते रहेंगे, एवरीडे आप कुछ ना कुछ नया वीडियो पाते रहेंगे, देश के लिए, खुद के परिवार के लिए, और कहीं ना कहीं खुद को भी गर्व महसूस कराने की एक वजह दिलाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalchi classes online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to fauji banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.